Alright, today we have to see the next topic of data structure, that is nothing but pointer arrays. In last lecture we have seen what does mean array. So array means what? It is nothing but it is the collection of data elements having the same data type. ऐसे data elements का collection है कि जिसका data type क्या होना चाहिए? Same होना चाहिए. उसे हम क्या कहेंगे? Array कहेंगे. अब हमें कौन सा topic देखना है? Pointer array. Pointer array का meaning क्या है? It is the array which consists of pointers. समझ में आया? ऐसा array जो सिर्फ pointer consist करता है, ऐसे array को हम क्या कहेंगे? Pointer array कहेंगे. ठीक है? So how can you define the pointer array? If each element of that array is a pointer, अगर उस array का हर एक element pointer है, तो उस array को हम क्या कहेंगे? Pointer array कहेंगे. ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि पॉइंटर मींस क्या होता है. हमें पता है कि जिस एरे में हर एक एलिमेंट अगर पॉइंटर है तो उस एरे को हम पॉइंटर एरे करके नाम देते हैं. बट पॉइंटर मींस क्या होता है? सो पॉइंटर इज नथिंग बट इट इज द वेरिएबल व्हिच कंसिस्ट द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंसिस्ट करता है, ऐसे वेरिएबल को हम क्या कहेंगे? पॉइंटर वेरिएबल कहेंगे. ठीक है, इसका C++ चैप्टर में मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगी पॉइंटर के रिलेटेड. ठीक है, सो पॉइंटर वेरिएबल मींस क्या होगा? इट इज द वेरिएबल व्हिच कंसिस्ट द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. मतलब किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस किसी एकादे वेरिएबल में स्टोर है, ऐसे वेरिएबल को हम कहेंगे पॉइंटर वेरिएबल. तो आप देखो, अगर डेटा स्ट्रक्चर में हमें पॉइंटर एरे के थ्रू आपको डेटा स्टोर करना है, तो हम एक एग्जांपल देखेंगे. यहां पर मैंने एक एम्प्लॉय नाम का एग्जांपल लिया है, एम्प्लॉय नाम का टेबल लिया है. ठीक है, अब उस एकादे कंपनी के जो एम्प्लॉयज है उनको हमने चार ग्रुप्स में डिवाइड किया है. ठीक है, सो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4. अब किसी क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर, किसी कंडीशन के बेसिस के ऊपर ये सभी एम्प्लॉयज को हम लोगों ने चार ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, अब देखो फर्स्ट ग्रुप में दो नाम है, दीपक और नितिन. ग्रुप 2 में है स्वप्निल, अमित, विवेक, रानी एंड ओ. और ग्रुप 3 में है राजदीप, अमोल, योगेश, शेखर. और ग्रुप 4 में है यश, राहुल, रोहित और स्वाति. ठीक है, अब ये हमारा एम्प्लॉय नाम का टेबल है. बट अगर आपको इस एम्प्लॉयज को एरे के फॉर्मेट में, या फिर हम बोल सकते हैं पॉइंटर एरे के फॉर्मेट में, अगर आपको मेमोरी में स्टोर करना है तो कैसे करोगे? ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने फिर से दो एरे लिए हैं. एक है आपका एम्प्लॉय एरे, दूसरा है पॉइंटर एरे जिसको मैंने नाम दिया है ग्रुप. ठीक है, अब इस दो एरे में क्या किया हम लोगों ने? ये एम्प्लॉयज को मेमोरी में स्टोर किया है. तो पहले एरे में यहां पे आपको जितने भी एम्प्लॉयज दिखेंगे वो मैंने सीक्वेंशियली लिखे हैं. ठीक है, अब देखो जैसे यहां पे मैंने लिखा है दीपक नितिन. यू कैन सी हियर दीपक नितिन. उसके बाद स्वप्निल, अमित, विवेक, रानी, ओम, ये ग्रुप 2 के मेंबर्स है. उसके बाद राजदीप, अमोल, योगेश, शेखर, ये ग्रुप 3 के मेंबर्स है. देन लास्ट is nothing but Yash, Rahul, Rohit, Swati. These are the members of group 4. Fine. So here I have divided that employees into 4 groups. Group 1, group 2, group 3, group 4. यहाँ पे मैंने curly braces के according उनको separate किया है. अब क्या करना है मुझे? यहाँ पे हर एक element को एक एक variable point नहीं करेगा, पूरे group को एक variable point करेगा. इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंटर वेरिएबल कहेंगे. ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने पॉइंटर एरे नाम का एक एरे लिया है जिसका नाम लिखा है ग्रुप. ठीक है, इसको मैंने इंडेक्स दिया है 1 2 3 एंड 4. ठीक है, अब देखो ग्रुप 1 की स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 1 से. तो यहां पे 1 जाएगा, मतलब ये किसको पॉइंट करेगा? यहां पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा. मतलब आपका ये जो पॉइंटर एरे है वो ग्रुप के फर्स्ट वेरिएबल को पॉइंट करता है, मतलब उसके स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट करता है. ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हो ग्रुप 2 का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? 3. ठीक है, क्योंकि ग्रुप 2 कहां से कहां तक है? 3 से 7 तक. इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? 3. तो हम लोगों ने सेकंड इसमें लिखा 3, मतलब ये अल्टीमेटली किसको पॉइंट करेगा? यहां पे
एलिमेंट को पॉइंट करेगा। समझ में आया? देन इसके बाद ग्रुप 3 का स्टार्टिंग एड्रेस क्या बेटा? ए, क्योंकि यहां से राजदीप आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैंने थर्ड इसमें क्या लिखा, 8 करके। ये जो स्टार्टिंग पे लिखे ना, ये ग्रुप नंबर से थर्ड ग्रुप का स्टार्टिंग है आपका 8, मतलब ये किसको पॉइंट करेगा? 8th पोजीशन को पॉइंट करेगा। सिमिलरली ग्रुप 4 जो है उसका स्टार्टिंग एड्रेस है 12, तो ये किसको पॉइंट करेगा? 12th पोजीशन को पॉइंट करेगा। इस तरह से आप क्या कर रहे हो कि हर एक एलिमेंट को पॉइंट ना करते हुए उस ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट को आप पॉइंट कर रहे हो, जिसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंटर एरे कहेंगे, ठीक है। मतलब पूरे मेमोरी लोकेशंस ध्यान में रखने से अच्छा है आप हर एक ग्रुप के स्टार्टिंग एड्रेस को ध्यान में रखो और उसका एक सेपरेट एरे बना। सो दिस इज नथिंग बट योर पॉइंटर एरे, जो एक्चुअल एलिमेंट कंसिस्ट कर रहा है क्या? नहीं, वो हर एक ग्रुप का स्टार्टिंग एड्रेस कंसिस्ट कर रहा है। मतलब ये ऐसा वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर रहा है। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये वन क्या है, ये ऐसा वेरिएबल है, ये वन जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस, मतलब दीपक का एड्रेस क्या बेटा? वन है, वो यहाँ पे स्टोर है। सो पॉइंटर एरे इज नथिंग बट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंटर्स। यहाँ पे हर एक वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल ना होते हुए वो पॉइंटर वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंसिस्ट करता है, तो इसे हम कहते हैं पॉइंटर एरे। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे रिकॉर्ड का टॉपिक। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू वॉन्ट टू गेट notification regarding new videos, then don't forget to subscribe our channel. Thank you.